पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा अब वो भाजपा नहीं रही जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और कैलाश जोशी जैसे ईमानदार नेता थे। अब की भाजपा तो सिर्फ दलालों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनकर रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा नेता स्व कैलाश जोशी के घर पहुंचे और उनके बेटे नए कांग्रेस नेता दीपक जोशी से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजनीति में होकर जिसे संत की उपाधि मिली हो, ऐसा तुम्हारे पास कोई दूसरा उदाहरण हो तो मुझे बताना। कैलाश जोशी राजनेता थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे जो एक आदर्श हैं, जिनका आचरण, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सक्रियता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि उनके सुपुत्र दीपक हमारे साथ है। दीपक जोशी का कांग्रेस में आना उन सारे लोगों के लिए संकेत है जिन्होंने जनसंघ को स्थापित किया है। जनसंघ को स्थापित करने वाले लोग आज भाजपा में दुखी हैं क्योंकि भाजपा पर दलालों, बेईमानों व भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो गया है। कोई भी देश में राजनीतिक होके संत की जिसको उपाधि मिली हो, ऐसा कोई दूसरा नाम तुम्हारे पास हो तो मुझे बता दो। कैलाश जोशी जी राजनेता तो थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे आदर्श राजनीति में होना चाहिए, जिनके आचरण, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सक्रियता के कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आज हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि दीपक आज हमारे साथ आए और हमारे लिए तो ये थोड़े से नीचे सोने में सुहागा हो गया। जो कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक है, दीपक जोशी का कांग्रेस में आना वो सारे लोगों को संकेत है जिन्होंने, इनके परिवार ने साइकिल पर चलकर, चने खाकर जनसंघ को स्थापित किया था। इस वो पीढ़ी, वो परिवार और वो लोग आज भाजपा में दुखी हैं क्योंकि भाजपा पर कब्जा हो गया है दलालों का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वहीं इस मुलाकात को लेकर दीपक जोशी ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले से मेरे आदर्श रहे हैं, उनके साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं, उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया है, जरूरत के समय वो हमेशा मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। राजनीति में बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम समाज सेवा के नाते आए या हम सेवा के कारण आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ठीक है मेरे लिए उस समय से आइकॉन थे। एक बार मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सीनेट का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद मुझे लगा कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहयोग नहीं दिया। मेरे छात्र साथियों ने, युवाओं ने कहा कि जब हमारी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। मैं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में माननीय दिग्विजय सिंह से 1991-92 में भोपाल के एक गेस्ट हाउस में मिला। उनके छोटे भाई वहाँ बैठे थे, उन्होंने उनको बाहर किया। जैसे ही मैं गया, उन्होंने दीपक क्या बात है, तो मैंने कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहा कांग्रेस के बारे में जानते हो, कांग्रेस के बारे में कुछ समझते हो? कांग्रेस देख ली, मुझे कांग्रेस बता, कांग्रेस क्यों बनी, कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, कांग्रेस के पीछे किन किन लोगों का सहयोग रहा, किन किन लोगों का नेतृत्व हुआ, इसको समझो बैठो। दूसरा, मैं तुम्हें कांग्रेस में नहीं, मैंने कहा क्यों? बोले आप कैलाश जोशी जी के लड़के हो, इस तरह से मैं जानता हूँ कि राजनीति में अलग चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, अलग काम उनका है, इस नाते से मैं कांग्रेस में नहीं लूँगा। लेकिन अगर जोशी जी स्वयं कहेंगे तो मैं शायद तुमको लेने का प्रयास करूँगा। एक नैतिकता कहने के उनके अंदर थी, एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नैतिकता लेने वाला नेता आज हमारे घर आया था, मेरे लिए तो बड़ी गौरव। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है,
वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।